हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी एकदम बहुत बढ़िया होंगे। आपका फिर से स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। जैसा कि बच्चों आप सभी को पता है कि हम आपको क्लास 9, 10, 11, 12 के नोट्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, और आज हम क्लास 12 का लेसन नंबर फर्स्ट लेकर आए हैं, द लास्ट लेसन। बुक है आपकी फ्लेमिंगो की, इंग्लिश लिटरेचर से ये लेकर आए हैं, और पूरी की पूरी हिंदी समरी आज हम अपने इस चैप्टर में आपको इस चैप्टर की बताने वाले हैं। वीडियो पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल आपको पूरी कोशिश कर रहा है हर एक तरह की वीडियोस प्रोवाइड करवाने की। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को और देखते हैं लेसन जो 1 है आपका, द लास्ट लेसन, इसकी क्या पूरी की पूरी समरी है। उससे पहले अगर आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हैं तो मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड टेलीग्राम लिंक्स मैंने आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। आप, मुझे उम्मीद है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। बात करें बच्चे इस अपने स्टोरी की, द लास्ट लेसन, ये स्टोरी लिखी गई है बाय अल्फोंस डॉट के द्वारा। इस स्टोरी के अंदर क्या हाईलाइट किया गया है, अगर हम इस हाईलाइट की बात करें तो इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग की बात की गई इस स्टोरी में, जो हमें हेल्प करती है लोगों को अपने देश से जुड़े रहने के लिए, ठीक है, और किसी एक बिगर इशू पर एक साथ आने के लिए। ये पूरी तरीके से एक ह्यूमन टेंडेंसी है टू प्रोक्रेस्टिनेट, टू पोस्टपोन थिंग्स फॉर टुमोरो। एक ह्यूमन नेचर जो होता है कि हम कोई काम आज नहीं करना चाहते, कल करेंगे, इस तरीके से हम किसी कार्य को टालते रहते हैं, उस पर ये स्टोरी पूरी की पूरी बेस है। एंड रियलाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ थिंग्स व्हेन दे आर स्नैचड, और फिर हमें रियलाइज होता है कि जब जो चीज हम करना चाहते हैं और फिर हमारे हाथ से वो चली गई और हमने उसे नहीं किया। इस स्टोरी में आप एम हैमल एंड फ्रेंच लैंग्वेज टीचर जो है, एक पेट्रियट, उनके अंदर फ्रेंच पढ़ाने का, फ्रेंच लैंग्वेज टीचर थे ये, स्टूडेंट्स के अंदर मदर टंग किस तरीके से काम करती है, मदर टंग हमारी आजादी के लिए भी काम करती है, पूरा का पूरा हम ये देखेंगे। ये लोग रह रहे थे फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अलास्का एंड लॉराइन में, और ये उस समय की बात है जब फ्रेंच पर्शियन वॉर चल रहा था। प्रस जो है प्रोनाउंस किया जाता है प्रसा, प्रसिया, पर्सिया भी बोल सकते हैं इसे हम। फ्रेंच पर्शियन वॉर जब चल रहा था एंड फ्रांस वॉर डिफीटेड बाय पर्सिया, फ्रांस को डिफीट कर दिया गया था पर्सिया के द्वारा। ये वही समय था, हिटलर का टाइम पीरियड था, और इस पूरी स्टोरी को आज की अपनी इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। मेन कैरेक्टर की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ दो ही मेन कैरेक्टर हैं, एक फ्रांज है जो एक छोटा सा बच्चा है, गुड ऑब्जर्वर है, लाइवली यंग बॉय है एंड काफी सेंसिटिव भी है, और दूसरे कैरेक्टर है हमारे एम हैमल जो डिवोटेड एंड सिंसियर टीचर है, काफी पैशनेट है फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर और काफी पैट्रियोटिक एंड इमोशनल भी है। तो इसकी हम चीजें देखेंगे, ये सब क्या करते हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले हमें कुछ पॉइंट्स जो ध्यान रखने वाली चीजें हैं उन पॉइंट्स को देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो इसमें जो फ्रांज है, यानी जो छोटा सा लड़का है, वो रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल, वो स्कूल जाना नहीं चाहता है। वॉज ऑफ्टन लेट टू स्कूल, वो हमेशा कोशिश करता है कि वो स्कूल लेट पहुंचे। अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड बाय टीचर, क्योंकि उसे डर लगता है कि उसे टीचर उसके डांटेंगे। हैड नॉट लर्न रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, साथ ही साथ उसने पार्टिसिपल्स भी नहीं पढ़े ना ही उन्हें याद किया है, इसलिए वो स्कूल जाने से डर रहा है। फ्रांस जो टेम्पटेशंस हैं, वो अपना पूरा का पूरा जो समय है स्पेंड एंड वॉर्म ब्राइट डे आउटसाइड, स्कूल के बाहर वो अपना समय बिताता है, एंजॉय चिरपिंग ऑफ बर्ड्स, जो पक्षी हैं उनके चहचहाने की आवाज देखता है, एंड वॉन्टेड टू वॉच पर्शियन सोल्जर, और पर्शियन सोल्जर्स को देखना चाह रहा है। ये सारी चीजें वो करता है। फ्रांच जो है पास होता है टाउन द हॉल से, टाउन हॉल से, टाउन हॉल के बाहर हमेशा भीड़ लगी रहती है, क्राउन इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, यूजुअली ऑल बैड न्यूज, जितने भी बैड न्यूज होते हैं उस बुलेटिन बोर्ड पर होते हैं,
जैसे लॉस्ट बैटल्स, ड्राफ्ट, ऑर्डर्स ऑफ कमांडिंग ऑफिसर्स, ये सारी चीजें, हमने युद्ध हारा, हमें कोई सूचना मिली या किसी तरह से कोई ऑर्डर आया है, सारी चीजें उस बोर्ड पर, बुलेटिन बोर्ड पर दे दी जाती है। न्यूज दैट डे, उस दिन की जो न्यूज होती है, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया था, हैड कम टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ अलास्का एंड लोरेन। इस स्टोरी का जो मेन पॉइंट है वो यही है बच्चों, कि एक ऑर्डर आता है बर्लिन से और कहा जाता है सभी टीचर्स को कि अब स्कूलों में सिर्फ और सिर्फ जर्मन सिखाई जाएगी, यानी जो फ्रेंच लैंग्वेज सिखाई जाती थी अब उस लैंग्वेज को बायकॉट कर दिया जाएगा, पूरी तरीके से जर्मन लैंग्वेज को सिखाने पर फोकस किया जाएगा। अनयूजुअली इन द स्कूल डेट डे, ऑन यूजुअल डेज देयर वॉज ग्रेट बस्टल ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, टीचर्स रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। ये पूरा का पूरा सीन है उस दिन का, कि भैया यूजुअली डेज जो ऐसे होता है वैसा डे नहीं था, जो ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, डेस्क खुलने की और बंद होने की आवाजें नहीं आ रही थी, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन, टीचर्स रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, दैट डे सब कुछ क्वाइट था, सब कुछ शांत था, ऐसे जैसे संडे मॉर्निंग का होता है। फ्रांस एंटर्ड लेट, फ्रांस लेट आता है, बट एम हेमल स्पोक काइंडली, पर उससे बहुत ही अच्छे से बात करते हैं एम हेमल और उसे कहते हैं कि जाकर बैठ जाओ। एम हेमल ड्रेसेड इन ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, एम हेमल जो है वो काफी सुंदर कोट पहन कर आते थे अपना, पहन कर आए थे उस दिन, जो यूजुअली वो जिस दिन टेस्ट होता था उस दिन वो पहन कर आते थे, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक सिल्क कैप, है ना, एम्ब्रॉयडर्ड एक कैप, पूरा का पूरा वही पूरा सीन था उनका। एल्डर्स ऑफ विलेज सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस, गांव के कुछ बूढ़े लोग, वो भी गांव में बैठे होते हैं, मतलब स्कूल में बैठे होते हैं सबसे लास्ट बेंच पर, ये सारी चीजें चल रही होती हैं। तो इस पूरी स्टोरी में जो चीजें हैं, जैसे आपको बताया गया है, मैंने आपको अभी बताया कि एक फ्रांसीसी लड़के, फ्रांस की एक कहानी है, वो काफी आलसी है, संवेदनशील है, खेलना पसंद करता है, फ्रेंच का अध्यापन कार्य करना उसे पसंद नहीं है, और जो उसके शिक्षक है एम हेमल, उनसे वो नफरत करता है। फ्रांस अल्सेस और लॉरेन के अपने जिलों पर हावी होने के बाद बर्लिन से एक आदेश आता है कि फ्रांसीसी भाषा के बजाय जर्मन भाषा वहां के स्कूलों में पढ़ाई जानी चाहिए। यहाँ उनके जो फ्रांसीसी शिक्षक है एम हेमल, उनका आखिरी दिन होता है, वो वहां पर 40 साल से वहां पढ़ा रहे थे, पर जब उन्हें पता चलता है कि ऑर्डर आ चुका है और अब उन्हें जाना पड़ेगा, तो वो काफी दुखी होते हैं और देशभक्ति से भर जाते हैं। उनकी मेहनत के सम्मान के रूप में, सभी लोग जानते थे कि उन्होंने काफी मेहनत की है, 40 साल से उन्होंने मेहनत की है, और गांव के लोग भी उनके आखिरी लेसन में, अंतिम पाठ में शामिल होते हैं। गांव के लोग स्कूल क्लासरूम में लास्ट डेस्क पर बैठते हैं, अंतिम पाठ में शामिल होते हैं, क्योंकि वो लोग भी दुखी थे, उन्होंने बचपन में अपनी मातृभाषा फ्रेंच नहीं सीखी थी। फ्रांस ये जानकर हैरान हो जाता है कि ये उसका अंतिम पाठ है, यानी ये लास्ट लेसन है, क्योंकि वो फ्रेंच नहीं जानता है, क्योंकि उसने कभी पढ़ने पर फोकस ही नहीं किया। अगर वो ध्यान देता, फ्रेंच सीखता, तो उसे इस बात का अफसोस नहीं होता, पर अब अचानक वो इसे सीखने में दिलचस्पी लेने लगता है और उस दिन सिखाई गई हर बात को समझ जाता है। वह शिक्षक एम हेमल के लिए त्वरित पसंद विकसित करता है, एक तरीके से उनकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत के लिए उनका सम्मान करता है। उनसे विदा होने पर वो दुखी महसूस करता है, प्रतिभागियों के पाठ का पाठ नहीं कर पाने के कारण वो शर्मिंदा है। एम हेमल उसे बताते हैं कि वे सभी गलतियां से सीखने के लिए उत्सुक नहीं है, इसे अगले दिन के लिए वो बंद कर दे, अगले दिन सीखे। वे उन्हें ईमानदारी से ना पढ़ाने के लिए खुद को दोषी मानता है। वो कहते हैं कि मेरे में ही दिक्कत रही कि मैंने ईमानदारी से बच्चों को नहीं पढ़ाया और बच्चे नहीं पढ़ पाए। उनका देशभक्ति फ्रेंच भाषा के लिए काफी था। वो कहते थे कि हमें अपनी देशभक्ति को दिखाना है तो अपनी फ्रेंच भाषा से जुड़े रहना है, क्योंकि ये दुनिया में सबसे सुंदर और तार्किक भाषा है, वो कहते हैं। वे कक्षा को अपनी भाषा की रक्षा करने के लिए कहते हैं।
पूरी कक्षा से कहते हैं कि कम से कम हमारी अपनी जो भाषा है वो बनी रहनी चाहिए। वो कहते हैं क्योंकि किसी की भाषा के करीब होना गुलामी की जेल से भागने की कुंजी है। ये उन्हें जर्मनों से मुक्त होने में क्या करेगा, मदद करेगा। ये हिटलर का टाइम पीरियड था। वे अपनी मातृभाषा सीखने के महत्व को काफी महसूस करते हैं और उनकी शिक्षा के कारण, उनकी अशिक्षा के कारण जर्मनों ने उन्हें हरा दिया था। फ्रांज को भी लगता है कि एक व्यक्ति की भाषा को किसी दूसरे व्यक्ति से दूर करना संभव नहीं है, यानी हमारी जो अपनी मातृभाषा है उसे हमसे हटाया नहीं जा सकता। तो ये पूरी की पूरी स्टोरी थी इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी हुई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ये चैनल आपको सबसे सटीक जानकारी प्रोवाइड करने की पूरी पूरी कोशिश करता है और साथ ही साथ क्लास 9, 10, 11, 12 के नोट्स भी दे रहा है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।